नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस के सामने ग्रामीण खुद बदमाशों को पकड़कर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। जी हां, अमेठी से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण बदमाशों को पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं जब पुलिसकर्मी बीच बचाव में आए तो वो भी चोटिल हो गए। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस तरह की घटना से ये साफ जाहिर होता है कि लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, या यूं कहें कि लोगों को अब प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा है। इसी वजह से ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेठी का ये वीडियो है, जहां पर ग्रामीण बदमाशों की जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के भी कुछ कर्मी घायल होते हुए नजर आए हैं। तो इसे ये जरूर कहा जा सकता है कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। प्रशासन से जो लोग हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से कानून को अपने हाथ में ग्रामीण लेते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो आसपास के लोग हैं इन बदमाशों को पकड़कर इनकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है और ग्रामीणों के चुंगल से बदमाशों को छुड़ाया और अस्पताल में भर्ती कराया। और अगली खबर भी अमेठी से है, जहां अमेठी का लाल नौकरी की चाह में फ्रॉड एजेंट के जाल में फंसकर अमेठी से दुबई के शारजाह पहुंच गया। दुबई में फंसे अमेठी के युवक को एजेंट के करीबियों की प्रताड़ना से परेशान युवक ने दूसरे के मोबाइल से एक मार्मिक वीडियो बनाकर पत्नी के व्हाट्सएप पर भेजकर वापस लाने की गुहार लगाई है, जिसके बाद परिजन अपने बेटे की फरियाद लेकर अमेठी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और युवक को वापस लाने की अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। परिवार ने युवक को दुबई भेजने वाले एजेंट पर केस दर्ज करने के साथ पासपोर्ट और वीजा के नाम पर ली गई धनराशि वापस दिलाने के साथ कार्रवाई की मांग भी की है। तो फ्रॉड एजेंट के जाल में युवक फंस गया है, जो कि दुबई पहुंच गया, परिवार से रिहाई की मांग कर रहा है। परिवार को वीडियो बनाकर भेजा है और कह रहा है कि यहाँ पर जबरदस्ती मुझे रखा गया है और मुझे यहाँ से ले जाइए। अमेठी का ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? आरती। आरती, क्या मामला है? सर वो गए तब भी पठाए हैं, वो खाना भी नहीं देता, ना पानी देता है, ना घर का आवे देता है। अभी भी क्या कह रहे हैं वहाँ पे, किस तरह की समस्याएं को लेकर के आपसे बातचीत हुई होगी? सर खाना नहीं देता, ना पानी देता, ना कुछ दिया, कहाँ भूखन मरा, ना घर का आवे दिए कहाँ, इतना इतना पैसा लें 2,00,000, 1,20,000 रुपया, तब भूख नहीं आवे देता घर का। क्या नाम है? कुसुमा। क्या मामला है? साहब यहाँ से लड़का का मरे लग जाए और जौन है ना काम दिया कहाँ, ना कुछ दिए बाटे, ना खाना पाता है, ना पानी पाता है, 1,20,000 रुपया ले जाए। कहाँ ले गए, कहाँ, क्या है पूरा मामला? दुबई। कौन ले गया? बाबूलाल देवसीपुर का। बस्ती में प्राथमिक विद्यालय कुरहापट्टी दरियाव के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्रों की तरफ से और विद्यालय की तरफ से चयनित प्रेरणा साथियों के साथ अलग अलग स्थानों पर मोहल्ला पाठशाला के जरिए शिक्षा दी जा रही है। इस प्रकार की व्यवस्था से बच्चों के अभिभावकों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। वहीं गांव के ही कुछ अभिभावक ने ही इस तरह से हो रहे पढ़ाई को लेकर कहा कि अगर ऐसी ही व्यवस्था कुछ समय तक लगातार चलती रही तो निश्चित ही हमारे बच्चों के अंदर काफी सुधार आ जाएगा। इसके जरिए बच्चों और उनके गार्जियन और स्कूल के अध्यापकों के बीच बच्चों को लेकर परस्पर संवाद भी अच्छा हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र की अगुवाई में ये कार्यक्रम पूरे गांव में बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया जा रहा है। वहीं अभिभावकों ने कहा है कि हम सभी अभिभावक इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। शासन की मंशा के अनुरूप कोरोना काल के चलते बच्चों की पढ़ाई की क्षतिपूर्ति करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए शिक्षकों की तरफ से गांव-गांव में जाकर कम बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर किसी एक अभिभावक के घर ही बच्चों को शिक्षा दी जाए, जिससे उनकी पढ़ाई निर्बोध रूप से चलती रहे। तो मोहल्ला पाठशाला का एक और जो नमूना है वो सामने आया है। अभियान की पहल की जा रही है, अभिभावक के घर ही बच्चों को शिक्षा दी जाए, इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि बच्चों को इकट्ठा किया जाए और एक ही बच्चे के घर पर इस पूरी पाठशाला का आयोजन हो, ताकि बच्चों की पढ़ाई
ना रुके और बच्चों की पढ़ाई निरंतर चलती रहे, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चे जो है वो भी पढ़ाई से वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कुछ जगहों पर नेटवर्क नहीं आते हैं। ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी। तो ऐसे में जब पाठशाला लगेगी एक ही अभिभावक के घर, तो बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकती है। ये शासन की मंशा है कि कोरोना के कारण बच्चों की शिक्षा पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उनकी शिक्षा बाधित हो गई है, इसलिए उनकी शिक्षा में सुधार हो और अनवरत उनकी शिक्षा चलती रहे, इसलिए सरकार ने समय समय पर अनेक परिवर्तन किए और उसमें नई नई खोज की। जैसे ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की गई, उस पर हम लोग अभी भी पढ़ा रहे हैं। ई पाठशाला के माध्यम से बच्चों को जो कंटेंट दिए जा रहे हैं कि उनकी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्यक्रम है उस हिसाब से भी हम उनको ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से उनको शिक्षा देते रहे। उसके साथ साथ एक चीज और है कि अब धीरे धीरे बच्चों में उत्साह होना चाहिए या हो रहा है कि हमको जा करके हमारे अध्यापक हमारे घर पर पढ़ाने आ रहे हैं। तो शासन ने जो हमको निर्देश दिया है कि हम जा करके उनको घर पे उनके घर पर उनको शिक्षा दें, इससे अभिभावकों में बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारे बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए और हमको हमारे बच्चों को ऐसा कुछ सुविधा मुहैया करा दिया है जिससे कि उनके शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसलिए हम अपने शासन के मंशा अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं विद्यालय द्वारा जो चयनित किए गए हैं स्वेच्छा से प्रेरणा साथी, शासन के द्वारा ही निर्धारित है कि प्रेरणा साथी का चयन किया जाए, तो हमारे विद्यालय पर जो प्रेरणा साथी चयनित हैं उनके माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से, शिक्षा मित्रों के माध्यम से, स्वयं मेरे के द्वारा हम लोग शासन के उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि जिससे बच्चों में कोई दिक्कत न आए पाए, उनकी शिक्षा निर्बाध रूप से चलती रहे। नोएडा के थाना फेज 3 में पुलिस ने फर्जी कार सर्विस ई बाइक नाम से कंपनी चला के कार लगाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक कार और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस के गिरफ्त में दिख रहे दोनों अभियुक्त धोखाधड़ी के आरोपी हैं, जो फर्जी कार सर्विसेज ई बाइक सर्विसेज में कार लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को सेक्टर 62 गोल चक्कर से गिरफ्तार किया। एडिशनल डीसीपी सेंट्रल नोएडा अंकुर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त लोगों को फर्जी कार सर्विसेज में कार लगाकर इन्वेस्ट करने की बात करते थे। ये लोगों को बताते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिए ठेके पर कार लगाई जाएगी, जिसके बदले में हर महीने इन्वेस्टर को पैसे दिए जाएंगे। जब इन्वेस्टर को कुछ महीनों तक पैसे नहीं मिले तो लोगों को धोखाधड़ी का एहसास हुआ, जिसके बाद कुछ पीड़ितों ने थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्त दीपक और एसके मलिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि कई और भी पीड़ित सामने आ रहे हैं। मामले की जानकारी की जा रही है आखिर इन लोगों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि अब तक ये कितने रुपयों की धोखाधड़ी कर चुके हैं। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर में एक कंप्लेंट, एक प्रकरण सामने आया था जिसमें एक कार टैक्सी सर्विस कंपनी को खोला गया था, जिसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाया गया था और उनको ये विश्वास दिलाया गया था कि उनकी जो उसमें गाड़ियां खरीदी जाएंगी और गाड़ियां यूपी सरकार के अधिकारियों के परिवहन हेतु सरकार के अंदर ठेके पर लगाई जाएंगी और मंथली रिटर्न इन सभी इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। इस प्रकरण में इन्वेस्टर्स का जब पैसा नहीं दिया गया तो ये चीज़ सामने आई कि इनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फर्जी है। और इसमें अभी दो लोगों की अरेस्टिंग करी है, एक का नाम दीपक चौधरी और दूसरे का नाम विपिन तोमर है। इसमें बाकी अभियुक्तों की भी जाँच की जा रही है और भी जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उसके ऊपर भी जांच की जा रही है और जो विधिक कार्रवाई है इसके अंदर वो भी जल्दी ख़त्म की जाएगी। इनके पास से एक अभी टाटा का हैरियर कार और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है जो कंपनी के अकाउंट से ही परचेज़ किया गया था और बाकी भी जो एसेट्स हैं इनके द्वारा जो कंपनी के अकाउंट से और जो इन्वेस्टर्स के पैसे से खरीदे गए हैं उसकी जाँच की जा रही है, उनको भी जल्दी सीज किया जाएगा।
हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप की छत गिरने से अफरा तफरी मच गई। दो बाइक सवार पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आए थे, उसी दौरान पेट्रोल पंप की छत गिर गई, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पेट्रोल पंप की अचानक छत गिरने से दो युवक घायल हो गए हैं। हापुड़ का ये पूरा मामला है। दरअसल पेट्रोल पंप पर दो बाइक सवार युवक पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे, तभी अचानक पेट्रोल पंप की छत गिर गई, जिससे दो युवक घायल हो गए। हरदोई में आईजी लक्ष्मी सिंह ने पुलिस लाइन में पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में बढ़ते अपराधों पर आईजी ने नाराजगी जताई और जिस क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं वहां की सीओ को 3 दिन में जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दे दिए हैं। आईजी ने बॉर्डर पर नाकेबंदी कर चेकिंग में पुलिसिंग का माहौल बनाए जाने में ढिलाई पर भी नाराजगी जताई और ऐसे दो प्रकरणों पर जांच भी बिठाई है। आईजी ने कहा है कि किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईजी लक्ष्मी सिंह हरदोई पहुंची और यहां उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादों की शिकायत भी सुनी है। आईजी ने बताया कि पिछले समाधान दिवस में आई शिकायतों में कुछ शिकायतों के समाधान में कुछ अंश पर लापरवाही बरती गई। इस पर उन्होंने निर्देश दिया है कि एक संयुक्त टीम बनाकर सभी शिकायतों का निस्तारण किया जाए। उसके बाद आईजी ने पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, दोनों अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ और सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक भी है। बढ़ते क्राइम के मामलों पर आईजी ने नाराजगी जताई है, साथ ही साथ अपराध सीओ को जांच के निर्देश भी दिए हैं। ये भी कहा है कि ये बैठकें लगातार जारी रहेंगी, आगे भी ऐसी बैठकें होंगी ताकि आसपास के क्षेत्रों में अपराध कम हो सके, अपराध के ग्राफ में कमी आ सके। तो आईजी लक्ष्मी पहुंची और सभी अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की है। आपको बता दें कि बढ़ते क्राइम के मामलों पर आईजी ने नाराजगी जताई है, साथ ही साथ जितने भी अधिकारी यहां पर मौजूद थे उन सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए और जितनी भी जनता फरियाद लेकर पहुँचती है उनकी फरियादियों को सुना जाए और फरियाद सुनकर उसका तुरंत समाधान भी निकाला जाना चाहिए। आपको बता दें कि समाधान दिवस के रूप में ये दिन मनाया जा रहा था, इसी दौरान आईजी लक्ष्मी वहां पहुंची थी और दिशा निर्देश दिए हैं। अगर बात की जाए हरदोई की, तो हरदोई में भी क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि इस ग्राफ को कम किया जाए, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसी नाराजगी यहां पर देखी जा रही है। तमाम जो पीड़ित हैं वो लगातार शिकायत करते हैं कि उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती और ना ही उनकी शिकायत पर कोई एक्शन लिया जाता है, जिससे आईजी लक्ष्मी बेहद नाराज नजर आई और दिशा निर्देश यहां पर सभी अधिकारियों को दिए हैं। कानपुर के सिकंदरा थाना क्षेत्र कानपुर नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में लोडर सवार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लोडर चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं राहगीरों की माने तो ट्रक चालक गाड़ी खड़ी कर चाय पीने के लिए गया हुआ था, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लोडर चालक की घटना पर मौत हो गई। ग्रामीणों की तरफ से रजधान चौकी पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लोडर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं चालक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आरोपी ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार है। चौकी प्रभारी प्रभात सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों की तरफ से लिखित शिकायत देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर खड़े ट्रक में लोडर सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो लोडर सवार था, जो ड्राइवर था, वो मौके से फरार है, उसकी तलाश भी की जा रही है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने लिखित शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। तो कानपुर का एक पूरा मामला, जहां पर खड़े ट्रक में लोडर सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, से भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, शव को लोडर से बाहर निकलवाया। कासगंज के नगरीय थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुपालन में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी चौकी नगरीय उप निरीक्षक कुलदीप शर्मा की तरफ से अभियुक्त नन्हे को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना सौरव पर अभियुक्त के खिलाफ FIR दर्ज की गई। वहीं पुलिस
गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में जुटी हुई है। तो अवैध शराब बनाने का सिलसिला लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। बात की जाए कासगंज की तो कासगंज में भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है, लेकिन अवैध शराब के साथ अभियुक्तों को मिलने का सिलसिला लगातार बरकरार है। जो अवैध शराब की भट्टियां हैं उन्हें उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है, कई लीटर लहन नष्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अवैध शराब के साथ अभियुक्तों को पकड़ा जा रहा है। ताजा मामला कासगंज से सामने आया जहां पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान पुलिस ने चलाया था और इसी दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से 10,000 लीटर लहन पकड़ा गया है जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया है। आपको बता दूं कि अवैध शराब की भट्टियों को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट है, उन्हें नष्ट कर रही है, क्योंकि अवैध शराब के बाद कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की जान चली गई है और ये जो भट्टियां हैं वो अवैध रूप से चलती हैं। कासगंज के सहावर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने गिरफ्त में आए तस्करों के कब्जे से 16 क्विंटल गांजा बरामद किया जिनकी अंतर्राज्यीय बाजार में 2.25 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। आपको बता दें कि तस्कर खाली टैंकर में गांजा छिपाकर तस्करी करते थे। विशाखापट्टनम से गांजा भरकर बरेली पहुंचाया जाना था, लेकिन पुलिस ने इन तस्करों को पकड़ लिया और जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस तस्करों से पूछताछ में भी जुटी हुई है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो विशाखापट्टनम से खाली जो ट्रक होते थे उनमें ये गांजा भरकर छिपाकर लेकर आते थे, बरेली पहुंचाया जा रहा था ये गांजा, लेकिन कासगंज में ही पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान करीब करीब 2 करोड़ का गांजा जो है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके साथ ही 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो पानी की खाली टंकी है उसके अंदर गांजा छिपाकर भेजा जा रहा था। कासगंज के पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रबोध बोथरे की तरफ से देर शाम थाना अंबापुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक की तरफ से थाने के कर्मचारियों को रजिस्टरों के बेहतर रखरखाव करने, थाना परिसर में साफ सफाई रखने, थाने के मालखाने में मौजूदा माल के निस्तारण के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने, थाने पर खड़े माल मुकदमाती वाहनों को तरीके से खड़ा कर उन पर अपराध संख्यांकित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा थाने पर पेंडिंग विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। तो कासगंज का एक पूरा मामला जहां पर पुलिस अधीक्षक ने थाने का निरीक्षण किया, लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। इस पर थाना अध्यक्ष सुनीत कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को सहसम्मान बैठाकर समझाया और बीजेपी कार्यकर्ता की बाइक का 500 रुपए का चालान काटकर 22 कार्यकर्ता की सुपुर्दगी में दे दिए। बता दें कि शैलेंद्र सिंह ने थाना परिसर में थाना अध्यक्ष को बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर अभद्र व्यवहार किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारे मंडल कार्य समिति की बैठक थी रानीनगर, जिसमें हमारे मंडल क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता, मंडल पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक सारे लोग आए हुए थे। उसमें कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत थी थाने से संबंधित,
कुछ सिपाहियों से, एक हमारा कार्यकर्ता था, उसकी शिकायत थी कि हमारी मोटरसाइकिल थाने में बंद कर दिए हैं। मैं कागज़ मेरे पास थाने में लोकल के रहने वाला हूँ, मैं कागज़ लेके आने के लिए मैंने बोला था, लेकिन दूसरे दिन जब मैं थाने में गया तो कोई सिपाही रहे होंगे इससे पूर्व में जिसको नहीं जानता, तो उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये की मांग किया। उसी संबंध में आज हम लोग आए थे थाने में, तो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे मेरी बात हुई। अब बात होने के बाद मैंने उनका पक्ष रखा और मैंने इसकी शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने तुरंत इस समस्या का निराकरण किया और मोटरसाइकिल को उन्होंने रिलीज कर दिया, कार्यकर्ता को दे दिया। बाकी जो कार्यकर्ताओं की समस्याएं थी उनके बारे में उनको बताया, बस यही सब था। लखीमपुर खीरी में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को विधायक रोमी साहनी के पलिया स्थित कैंप कार्यालय पर नगर कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी विधायक रोमी साहनी शामिल रहे। बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो के पास दीप जलाकर और माल्यार्पण पर की गई। आयोजित बैठक में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने कहा है कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से बीजेपी सरकार ने कोरोना काल के समय में भी काम किया, इससे ही साफ होता है कि हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए काम करते हैं। तो लखीमपुर खीरी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, वो पहुंचे। बीजेपी विधायक के कैंप कार्यालय पर ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रोमी साहनी पहुंचे थे। हमने अपने संगठन के नगर के बूथ अध्यक्षों को सबको बुलाया था और आगे की रणनीति तय करनी थी किस तरीके से हमको बूथ अध्यक्ष बूथों पर किस तरीके कैसे काम करना है, बस उसी के लिए 2022 आने वाला है विधानसभा की तैयारी के संदर्भ में आगे। आपको क्या लग रहा है इस बार सीटों का? मुझे ये लग रहा है मेरी आवाज़ रिकॉर्ड रख लेना और यही होगा, जितनी सीटें बीजेपी की 2017 में आई उससे एक सीट फालतू आएगी, कमी आएगी। मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र में बेबीपुर गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब 4 युवकों ने बाइक पर सवार होकर जमीनी विवाद के चलते एक युवक को गोली मार दी। इस बात की खबर लगते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी खराब हालत को देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि महेंद्र नाम का युवक जो रानीपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर गाँव का रहने वाला है, जिसका पहले से ही उसके पाटीदारों में जमीनी विवाद चल रहा था और 2020 में जमीन को लेकर कई बार झगड़ा हो चुका था, जिसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई। वहीं एक बार फिर बाइक पर सवार आए 4 युवकों ने महेंद्र नाम के युवक पर गोली चला दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जमीनी विवाद का मामला दुवानी रजनी से पहले दुवानी निकल गई, 2020 में इनका झगड़ा भी आपस में हुआ था जी, तो उसमें सभी लोग भी गए थे। फिर पुरानी रजनी से कौन लोग हैं? ये आपस में पटीदार हैं दोनों। अच्छा, आपस में दोनों पटीदार। अच्छा, कितने लोग थे आज गोली मारने में? क्या 4 लोग थे बता रहे हैं, जैसे 4 लोग महेंद्र लड़का सना त्रिभुवन जौलसेपुर थाना रानीपुर का रहने वाला है। इसको 4 लोगों ने, जैसा कि बता रहा है कि 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग इसके गांव गए थे, सुनील, दिनेश और उमेश और एक अज्ञात। सुनील ने गोली मार दी, बाईं तरफ कंधे में इसको गोली लगी हुई है, इलाज हो रहा है। बाकी इनके पिताजी की तहरीर दे रहे हैं, उसकी भी कार्रवाई की जा रही है। पहले इन लोगों का गाँव में पहले झगड़ा हो चुका है 1 साल पहले, उसमें विपक्ष के एक आदमी की मृत्यु हुई थी और ये सब लोग जेल गए। सब निपटाने का कोई मामला नहीं, इन लोगों का आपसी व्यक्तिगत। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश से पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां जगह जगह भूस्खलन होने से आवासीय भवन जमींदोज हो रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेलंग में रघुवीर होटल बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर पल भर में ही पूरा होटल जमींदोज हो गया, जिससे होटल के मलबा से NTPC की टनल बंद हो गई। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लगातार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बंद पड़ी हैं, जगह जगह भूस्खलन जारी है। तो भारी बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है।
हल्द्वानी काट गोदाम रानीबाग पुल भले ही वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया हो, लेकिन ये पुल अब सियासत का पुल बन गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा है कि रानीपुर पुल के क्षतिग्रस्त होने की जांच होनी चाहिए और जो भी लापरवाह अधिकारी या ठेकेदार हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गजराज बिष्ट ने कहा है कि पिछले साल उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर रानीबाग में नए पुल के लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे, लेकिन नया पुल तो बना नहीं और पुराने पुल का ही एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आम जनता 40 साल से रानीबाग पुल की डिमांड कर रही है, लेकिन एक साल होने को है, नया पुल अब भी बनकर तैयार नहीं हो पाया और पुराना पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद अब आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। लिहाजा आम जनता के लिहाज से ये ठीक नहीं है। गजराज बिष्ट ने कहा कि विभाग चाहता तो पुराने पुल में कोई अवरोध पैदा नहीं होता और नया पुल भी एक साल में बनकर तैयार हो जाता, लिहाजा रानी पुल के क्षतिग्रस्त होने में जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले में जांच कराने की मांग की है। सियासत वाला पुल है। देखिए, अब जिनको पता ही नहीं है कि पैसा राम सिंह कड़ा विधायक है, राम सिंह कड़ा सरकार से ही पैसा लाएगा, मैं प्रदेश सरकार से ही पैसा, प्रदेश सरकार ने पैसा दिया है, केंद्र सरकार ने पैसा दिया है और मैं भी सरकार से ही पैसा लाऊंगा और सरकार से पैसा ला करके पुल का काम चल रहा है, प्रगति पर चल रहा है और मैंने जो दौड़ धूप देखी है। और ये सियासत को हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं और जनता निर्णय करेगी कि किसने क्या काम किया। जनता मेरी हमारी भगवान है और सियासत के जो बेचारे सियासत की बात कर रहे हैं उन सब का रिजल्ट जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इसमें कोई संकोच भी नहीं मुझे कहने में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने उनको दो बातें बताई हैं। पहली बात कि भाई इसको लगभग 1 वर्ष हो गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे इसके लिए 7 करोड़ रुपये उन्होंने निर्गत किए थे और मेरे ही निवेदन पर वो पैसा भी इस पुल के लिए मिला था और ये पुल की डिमांड भी लगभग 40 वर्षों से लगातार चल रही थी कि यहाँ पर डबल लाइन का पुल होना चाहिए, लेकिन 1 वर्ष के पश्चात भी नया पुल बना नहीं और पुराने पुल की जो हालत हो गई वो सभी के सामने है और पुराने पुल पे भी 3 दिन हमें मार्ग को रोकना पड़ा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि नया पुल तो बने ही बने, लेकिन किस प्रकार से पुराने पुल की दुर्दशा हुई, किस प्रकार से वो जर्जर हुआ, किस प्रकार वहाँ पर रास्ते को रोका गया, अवरुद्ध हुआ है, निश्चित रूप से उसकी जाँच होनी चाहिए। कौन अधिकारी थे, कौन ठेकेदार थे, किस प्रकार से उसमें काम किया गया, ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा। बाकी मुख्यमंत्री जी का विवेक है कि इसमें किस प्रकार से जाँच कराई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।